मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों द्वारा यूपी दिल्ली बिहार की ओर पलायन किया जा रहा है। इसके चलते इंदौर बाईपास स्थित कई सेवा संस्थाओं द्वारा सेवा का कार्य किया जा रहा है। आवश्यकता की चीज़ें प्रवासी मजदूरों को प्रदान की जा रही है। इसके चलते इंदौर में बाईपास पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने भी उचित व्यवस्था की गई। इतनी गर्मी के चलते हुए कई ऑटो पैदल साइकिल से मजदूर भारी मात्रा में पलायन करते हुए देखा गया, जिसके अंतर्गत एक मजदूर से बातचीत में MP और इंदौर की तारीफ की गई। इंदौर से राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हाँ बोलो भैया, क्या हम लोग महाराष्ट्र से चले मुंबई से, रास्ते में कहीं भी कोई पानी तक नहीं भरने दे रहा, ना कोई पिलाने वाला है ना कोई पूछने वाला, लेकिन और कहीं भी अगर लगा भी है टंकी वंकी तो भरने नहीं दिया, और ना कोई खाने की व्यवस्था कुछ नहीं, सिर्फ चले आ रहे चले भूखे 18 घंटे पब्लिक पूरी भूखी। MP जब से घुसे हैं तो सब लोगों को खाना पानी और नाश्ता हर चीज मिली, पानी भी मिल रहा, पानी की बॉटल भी बांट रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रही है भाई लोग। महाराष्ट्र में मार भी रहे हैं, पानी भरने के लिए जाओ तो वहाँ से भगा दे रहे हैं और डंडा लेके मार रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बेकार हालत है भाई साहब, हमें इंदौर में सबके सुबह से यही देख रहा हूँ, चार बजे चौथी बेर है जो मैं खा रहा हूँ। पानी खाना इंदौर अच्छे इंसान है, यहाँ बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ खाने को। आपके पास अभी पानी वगैरह है कि नहीं? है, पानी दे के गए, अभी एक गाड़ी वाला आए थे वो पानी बॉटल दे के गए सब। वो किसी कोई बीमारी वगैरह को? नहीं नहीं, बीमारी नहीं है किसी, सब चेकअप करा के। नहीं नहीं, दवाई वगैरह भी अपने पास? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।